रास्ते को लेकर गांव में विवाद, ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। सिद्धार्थनगर के विकास खंड जोगिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बभनी में ग्रामीणों की सहमति से कुछ वर्ष पहले खड़ंजा और नाली का निर्माण किया गया था, लेकिन अब यही रास्ता अब्दुल वाहिद द्वारा रोका जा रहा है। अब्दुल वाहिद कहते हैं कि यह मेरा नंबर है, हम किसी को इधर से गुजरने नहीं देंगे। इससे गांव वालों को अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता रोके जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा नंबर। हाँ, कह रहे हैं नंबर है, तो अगर इनका नंबर था तो इन्होंने इस पे सरकारी पैसा क्यों खर्च किया? क्या इस पे सच्चाई क्या आप बताएंगे? सच्चाई है, सच्चाई है। ये दोनों बाउचर है जिसका भुगतान हुआ है। दिखाएंगे सर, जरा इस पे दिखाइए, इधर से दिखाइए जी, वो दूसरा वाला दिखाएं। जी और भी दिखाएं। जी अभी इसके बारे में आप बताएं, क्या आपका राय क्या है? मेरी राय यही है कि अगर ऐसे रास्ता दो लोगों के सहमत से बनता है, अगर मान लीजिए अगर ऐसे ही निर्माण होता गया सड़कों पे, तो हर कोई अपना रास्ता बंद कर लेगा। जी जी सही, तो इसलिए अगर ये रास्ता खुल जाए तो सबसे बढ़िया। जैसा कि सुनने में ये आ रहा है, आपके पूरे गांव वाले एक तरफ हैं, सिर्फ एक इन्हीं को छोड़ करके ये अकेले एक तरफ हैं, बाकी आपका पूरा गांव यहाँ पे जितने, क्यों भाई सही है ये? सही है क्यों भाई? सही है, आपके पूरे गांव वाले एक तरफ हैं, सिर्फ इन्हीं को छोड़ करके ये अकेले हैं, तो ऐसे में कहना क्या चाहते हैं आप, ये बताएं? आप तो प्रधान जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि, आप जो चाहेंगे होगा। अब सारा उनके रोकने से कैसे रुक जाएगा भाई? सारा साक्ष्य जुटाया गया है अभी तक, तो हम लोग वैसे तो आप साक्ष्य में काम कीजिए। साक्ष्य में आप काम कीजिए। अब इसके बाद अगली कार्रवाई तुरंत आप कार्रवाई आप कार्रवाई करवाए ना, क्या दिक्कत है? सभी लोग आपके पूरे गांव वाले आपके साथ में है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप कार्रवाई करवाइए बस, इसके बाद लगा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ प्रधान जी अगर अकेले ये कर रहे हैं, तो प्रधान जी के खिलाफ में पूरे गांव वाले अगर हैं, तो प्रधान जी की कुर्सी जा सकती है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। वो क्या कर लेंगे भाई, पूरे गांव वाले अगर सच्चाई पे लड़ रहे हैं आप, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसी भी आपकी मर्जी हो आप लोग करवाइए, देखिए। नहीं नहीं ठीक है, इस पे अब कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद जो होता है आप बताइए, आगे तक कार्रवाई करवाइए। पूरे गांव वाले आपके साथ में हैं, पूरे गांव वाले यहाँ पे लेडीज, यहाँ पे बच्चे आए हैं, आप आए हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि वो अकेले यहाँ से पूरा रोड जाम कर दिए, वो बोल रहे हैं नंबर हमारा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? मेरा भी है, उसका भी है, लेकिन वो अपने कब्जे में कर रहा है। मेरे गांव वाले सब आए हैं तो मारने के लिए खड़ा हो गया है, यहाँ तक पूरा गांव एक है, लेकिन वो किसी का सुनवाई नहीं कर रहा है। थाना पुलिस अकेले वो पूरे लड़ रहे हैं, हम लोग गांव एक तरफ है, वो अकेला लड़ाई कर रहा है। क्या कह रहे हैं? बोल रहा है कि मेरा है रास्ता, क्या सरकारी है? सरकारी है, सरकारी खड़ंजा लग गया, फिर भी वो रोक रहे हैं, फिर भी वो रोक रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि मेरा है, वो दीवार जोड़ लिया। क्या नाम आपका? मेरा बुसरा खातून। सरकारी ये रास्ता, सरकारी है, और ये क्या बोल रहे हैं कि नंबर है क्या इनका? रास्ता सरकारी है, आप बताएंगे क्या नाम आपका? ये बताइए क्या सही क्या गलत है? ये गलत कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं। अगर बात गांव की जाए तो गांव में यही एक रास्ता था जिसे गांव वाले आते जाते थे, लेकिन अब्दुल वाहिद ने जब इस रास्ते को रोका तो गांव में पूरी तरह से आक्रोश फैल गया। यहां प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस मामले को वो पूरी तरह से सॉल्व करवाएं और लोगों को सुरक्षित रखें, क्योंकि जिसने रास्ता रोका है वो केवल एक व्यक्ति है और इसका विरोध करने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्रशासन को देखना चाहिए कि आखिर ये मामला सॉल्व क्यों नहीं हुआ। अगर रास्ता रोका गया तो क्यों रोका गया? वैसे अब्दुल वाहिद कहते हैं कि ये हमारा नंबर है, लेकिन जब यही रास्ता एक दो साल पहले बन रहा था तो इन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आकर उठ रहा है कि अब्दुल वाहिद की यहाँ पूरी गलती मानी जा रही है, और गांव वाले कह रहे हैं कि इस रास्ते को खोला जाए। आप उसमें प्रधान थे? हाँ। जी जी। उसके बाद खड़ंजा हमने लगवा दिया, खड़ंजे के बाद कहने नाली बनवा दीजिए, नाली भी हमने बनवा दिया जी। उसके बाद फिर इन दोनों ने क्या ना झगड़ा लड़ाई कर लिया। आज ऐसा क्या हुआ कि ये इसको रास्ते को रोक रहे हैं?
ये कह रहे हैं कि क्या नाम, आप इधर नहीं छोड़े, हम इसको बाउंड्री मार के अंदर कैसे वो कर लेंगे। जब आप उस समय आप प्रधान थे, आप इस पे रोड बनवाए थे, खड़ंजा ही लगवाए थे, आज के डेट में वो कैसे उसको अपना नंबर बता देंगे भाई? वो जबरदस्ती कर रहे हैं। मतलब आप ये बयान देंगे ना सबके सामने? ये सच्चाई है? हाँ, सच्चाई भी दे दिया। हमने जो काम करवाया था सरकारी बजट से, उसको बायोडाटा भी दे दिया जी। हाँ, जो सरकारी रोड है बेमानी कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं।